और अब खबर हापुड़ के पिलखुआ से, जहां पर नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, जहां दो ट्रकों से 600 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने चार शराब तस्करों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। इस तरह से जो शराब पकड़ी गई उस शराब की कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है। हरियाणा से दरअसल इस शराब को झारखंड ले जाया जा रहा था, जिस दौरान ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। हापुड़ के पिलखुआ में ये बड़ी कामयाबी आबकारी विभाग को लगी है। हापुड़ के पिलखुआ में नशे की बड़ी खेप बरामद पुलिस ने की है। दो ट्रकों से 600 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद कर ली है, अपने कब्जे में ले ली है। इसके अलावा पुलिस ने चार शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और जानकारी के मुताबिक ये देखिए तस्वीर, किस तरह से इस ट्रक में फलों की आड़ में कहीं ना कहीं शराब की तस्करी की जा रही थी, और ये बड़ी खेप हापुड़ के पिलखुआ से पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल ये शराब हरियाणा से झारखंड ले जाई जा रही थी, जिस दौरान रास्ते में ही हापुड़ के पिलखुआ में चेकिंग के दौरान ये पकड़ में आ गए, और इस तरह से चार शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दो ट्रक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा था इन ट्रक चालकों की तरफ से कि हम फल लेकर जा रहे हैं, सेब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ पेटियां सेबों की रखकर उसके पीछे सेबों की पेटियों की आड़ में इन शराब की पेटियों को छिपाया गया था।